देखिए, जिस तरीके से एक ही सड़क पर कार, बाइक, बस या ट्रक सब चलते हैं, उसी तरीके से एक ही पटरी पर पैसेंजर ट्रेन भी चलती है और मालगाड़ी भी चलती है। लेकिन भाई साहब, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इंडिया में ऐसी ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही हैं जिन पर कि सिर्फ मालगाड़ी ही दौड़ेगी। उन पटरियों पर पैसेंजर ट्रेन का चलना अलाउड ही नहीं होगा। तो अब सवाल ये आता है कि जब एक ही पटरी पर मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों चल सकती हैं, तो फिर इंडिया में मालगाड़ी के लिए अलग से पटरियां क्यों बिछाई जा रही हैं? गजब की जानकारी देंगे आपको, इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, मालगाड़ी से सामान भेजना ट्रक से सामान भेजने के कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज अपना सामान ट्रक से भेजना प्रीफर करती हैं, मालगाड़ी से नहीं। क्योंकि जब एक ही पटरी पर मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन चल रही होती है, तो हमेशा मालगाड़ी को साइड में खड़ा करके पैसेंजर ट्रेन को पहले निकाला जाता है, जिस वजह से मालगाड़ी से भेजा हुआ सामान कई बार टाइम पर पहुंचता ही नहीं है। तो सामान को टाइम पर पहुंचाने के लिए ही मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं।